ये बना है मटर पनीर, और एक नंबर का मटर पनीर बना है। उसी में थालियाँ निकालो अलग 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 सकते हैं। यहीं पे यही, यहाँ पे यही खाते हैं। तो अभी ये रहा मटर, और ये पनीर, और ये खरबूज। तो अभी इसको ट्राई करेंगे कैसा बना है। ये देखो, यहाँ पे मैंने ले लिया मटर भी, ले लिया पनीर भी, ले लिया थोड़ी सी ग्रेवी, ले लिया। इसको चेक करेंगे। अभी सबकी थाली में पनीर और मटर और चावल जा चुके हैं। यहाँ पे खाने वाले, ये देखो, ये लंबरदार हैं, इधर अमर लंबरदार, और उधर शिवा है, इधर शिवम है। शिवम खा लिया भैया? अच्छा बना शिवा, टेस्ट कैसा है? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। एक लंबे समय के बाद आपका दोस्त आपके साथ आ रहा है। और कल मुझे एक मैसेज आया कमेंट बॉक्स में, जिसमें कहा गया कि आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं कि सारे के सारे वेट कर रहे हैं, आपको हुआ क्या? ना कोई वीडियो पोस्ट कर रहे हो, ना कोई स्टोरी लगा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। तो यार मैं बताता हूँ आपको, पहले गाड़ी में बैठते हैं। धूप बहुत ज़्यादा है, कल हुई थी बारिश दुबई में। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, पीछे देख रहे हो कितना पानी भरा है। मेरी गाड़ी पहले वहाँ खड़ी थी, वो जो दिख रहा है ना पेट्रोल पंप, उसके नीचे थोड़ी सी जगह है, वहाँ पे पहले खड़ी थी। लेकिन इतनी बारिश हुई थी कि पूछो ना, कि बहाव आ गया था। वहाँ जो गाड़ियाँ हैं वो डूब चुकी हैं। मैं चलूँगा तो दिखाऊँगा। तो चलो पहले गाड़ी अनलॉक करते हैं। तुम्हारे भाई के पास इन दिनों गाड़ी भी हो गई है, ठीक है? तो इसी की वजह से थोड़ा सा बिजी चल रहा था, क्योंकि लाइफ में ना बदलाव बहुत ज़रूरी है। और अब जो है, आपको जैसा कि मैं आपको बोलता रहता था पहले कि भाई वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, वो सीन साथ अब जल्दी आ जाएगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा जो है गर्मी, पहले गाड़ी को ऑन करके एसी चालू करते हैं ना। तो यार स्टार्ट हो गई गाड़ी हमारी, एसी लगा देते हैं, थोड़ा सा गर्मी कम हो, फिर बात करते हैं आप लोगों से ना। हाँ जी। तो दोस्तों, बात दरअसल ऐसी थी कि मैं ना अपनी जॉब को स्विच कर रहा था। आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा वीडियोस में कि जब मैं पहले वीडियोस बनाता था तो एक ग्रोसरी स्टोर था, सुपरमार्केट था, उसके अंदर मैं काम करता था, और काफ़ी अच्छी जॉब थी। मैं उसको बुरा कभी कह नहीं सकता। लेकिन करेंट टाइम पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने जॉब चेंज करी और उस जॉब से स्विच करके दूसरी में आ गया, जिसको सेल्स एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो मैं मार्केटिंग करता हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग। तो अभी हाल ही में जब मैंने जॉब स्विच करी, तो जॉब को समझने में और सारा कुछ करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है? तो वो टाइम की वजह से मैंने सारा जो सारा का सारा टाइम, सारा का सारा माइंड मैंने उधर लगा दिया, जिसकी वजह से मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि टाइम से मैं आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाया, वीडियोज़ नहीं आ पाया, और हम लोग मजे नहीं कर पाए, ठीक है? लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अब आपको होता रहेगा। तो ये थी पूरी कहानी कि मैं अपने जॉब को स्विच करने में लगा हुआ था, तो इसी वजह से जो है अभी जो है मैं नहीं कर पाया, ठीक है? तो फिलहाल ये मेरी गाड़ी है। गाड़ी कौन सी है, बहुत से लोग समझ गए होंगे, जो लोग नहीं समझे होंगे वो धीरे धीरे आगे समझ जाएंगे। और ये अभी रैंडम गाड़ी दी है उन लोगों ने, कह रहे थे कि शायद कोई और गाड़ी मिलेगी, अभी थोड़ा सा समय और लगेगा, ठीक है? तो ऐसा कुछ है। अगर हम बारिश के हाल, दुबई के बारिश के हालात की बात करें, तो यार इतनी तगड़ी बारिश हो रही थी, इतनी तगड़ी बारिश हो रही थी कल की, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अपनी गाड़ी को लेकर कहाँ जाऊँ, ठीक है? इधर जितने भी सारे पीछे हमारे दिख रहे हैं ना, रोडों के ऊपर से पानी बह रहा था, झरझर झरझर, मतलब जलजला आ गया था पूरी तरीके से। नमूना ये है कि कल बारिश हुई थी और अभी देखो यहाँ पर पानी भरा हुआ है। और ये रात, कल शायद शाम को बारिश थम गई थी, लेकिन बहाव प्रॉपर चालू था। तो यह ऐसी वजह थी भैया। अभी शाम का वक्त है और मैं निकला हूँ जस्ट घर के बाहर वॉक करने। ये सामने ये पार्क है हमारे, तो थोड़ा सा वॉक करते हैं यहाँ पे। देखो बच्चे छोटे छोटे कितनी स्पीड में गाड़ियाँ चला रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ वॉक कर भी रहे हैं, तो हम भी चलेंगे, थोड़ा सा वॉक करेंगे। तो देखो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, गाड़ियाँ भी चला रहे हैं अपनी। ये बहुत बड़ा पार्क है, मतलब घूमने फिर के लिए परफेक्ट है। कल वॉक हमने करी कम से कम नहीं तो 15 मिनट, और अब जा रहे हैं हम अमर की दुकान पर, क्योंकि शाम का भी इंतज़ाम देखना है, शाम का यानी कि रात का। क्योंकि भैया पूरे दिन के बाद सारे लोग रात को ही खाना खाते हैं आराम से, तो शाम को क्या बनेगा अभी डिसाइड नहीं हुआ है, अब जो होगा देखा जाएगा। तो जब्बार भाई कहाँ गए थे? जब्बार भाई भी घूम रहे हैं मस्त। दरअसल होता क्या है ना, घर से थोड़ी सी दूर में उधर हमारे यहाँ के मुराद मॉल है, कैरीफोर करके, ठीक है? तो सारे लोग वहीं पर सामान वगैरह ख़रीदने जाते हैं, तो जब्बार भाई वहीं से वापस आ रहे थे, फ़ोन पर बात कर रहे थे, इसीलिए वीडियो में नहीं आए। तो चलते हैं अमर की दुकान पर, और रात की लाइटिंग कुछ ज़्यादा अच्छी होती है,
मुझे ऐसा लगता है इस पीछे का जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हुआ करता है। ये अमर की दुकान पे आ चुके हैं और बैठे हैं मेन काउंटर पे, देखो मालिक के जैसे, जैसे मालिक ने बैठता है इसे। और यहाँ पे लॉन्ड्री में ऐसे काम होता है, ये देखो यहाँ पे टेबल है, इसी पे आयरन होगा, पीछे सारे कपड़े लगे हुए हैं तो इन्होंने आयरन कर दिया है, अंदर वाशिंग है, उधर वाशिंग में आप फुलके फुलके दिख भी रहे होंगे अमर। और ये इधर एक और सॉरी चटा दिख गया मेरा, और ये इधर ना थोड़ा सा इसको होता बोलते हैं स्टीम प्रेस, क्या बोलते हैं ऐसा कुछ होता है, ये लोग इसमें हवा से कुछ करते हैं, ड्राई क्लीन कुछ करते हैं, है ना, तो वो कुछ ऐसा होता है। ये क्या होता है अमर, ये स्टीम, यही स्टीम है, इसी में हवा डालते हैं, मतलब कपड़ों में हवा मारते हैं, तो ये वाला सीन है, ये स्टीम प्रेस है। और ये भी स्टीम है, ये नॉर्मल है, तो ऐसा कुछ होता है भैया लॉन्ड्री में काम यहाँ पे। तो अभी खाने में क्या बनेगा, क्या खाओगे आज खाने में भैया? हाँ मटर पनीर बता रहे हैं, अभी तो अभी शाम होते होते नॉन वेज पे उतर आएंगे सब, देखते हैं क्या बनता है। ये तो मटर पनीर बोल रहे हैं, तब तक भी पूछना पड़ेगा अभी क्या बनता है, चलते हैं देखते हैं। दोस्तों आज बनने जा रहा है स्पेशल, ये रहा मटर और ये रहा पनीर, ठीक है। पनीर के हमने दो पैकेट लिए हैं क्योंकि यहाँ पे 200-200 ग्राम में आते हैं, ये देखो 200-200 ग्राम में लिया है, एक 200 ग्राम 400 ग्राम और 400 ग्राम का ये मटर है। और इधर इसके लिए मैंने यहाँ पे कट कर लिए हैं क्या नाम है इसका, लहसुन, और ये रहा प्याज भैया। और उसके साथ साथ जो है हमने यहाँ पे भगोना भी चढ़ा दिया है, देख रहे हो, हमने इसी में खाना बनाते हैं भैया। और अभी जाके इसमें पड़ेगा तेल, और तेल हम लोग ये यूज़ करते हैं, कभी कभी ये यूज़ करते हैं, कभी कभी दूसरा यूज़ करते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। तो ये तेल है भैया, इसमें ऐसा होता है कभी कभी कि जिसमें जम भी जाता है, ठीक है। तो ये तेल हो गया, ये देखो इतना काफ़ी है तेल, और ज़्यादा नहीं डालेंगे, ज़्यादा डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अमर को भेज दिया है मिर्ची लेने, मिर्ची ख़त्म हो गई है रूम में, तो मिर्ची लेने भेजा मैंने, फ्रिज में अभी चेक किया तो इसके अंदर मिर्ची नहीं थी, बाकी सब कुछ था, टमाटर भी हैं, बस मिर्ची नहीं है, तो ये सारी चीज़ें पड़ेंगी। तो फिलहाल हमारा तेल जो गर्म हो चुका है, तेल हमारा लगभग गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल के चेक करेंगे लहसुन, ये देखो ज़्यादा नहीं गर्म हुआ, बस हो रहा है धीरे धीरे, ये देखो यहाँ पे लहसुन पूरा हमारा जो लाल हो चुका है, इसमें डालते हैं प्याज और मिर्च, ये देखो लहसुन प्याज को आराम से पकाएंगे, इसमें थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही लगेगा। देखो मेन कारीगर डाल रहा है इसमें टमाटर, ये देखो काट काट टमाटर देखें, टमाटर बोला जाता है, अच्छा, ये है टमाटर, नहीं टमाटर में तो नहीं, टमाटर हमारे यहाँ बोला जाता है, वो हम टमाटर डाल रहे हैं। बटर पनीर है, मटर पनीर है, नहीं बटर पनीर, बटर प्लस मटर पनीर, बटर कहाँ है, बटर बटर है तो घुमा दो फटाफट, एक ही मिलेगा, ये बन गया, अब इसको बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, इसको कर दिया बंद करो, ये बंद हो गया। दोस्तों यहाँ पे ये पनीर 200 ग्राम का पैकेट है, इसमें इतना पनीर सारा निकला हुआ है, एक पैकेट मैंने फाड़ दिया 200 ग्राम में, दूसरा वाला फिर फाड़ने जा रहे हैं हम, उसमें कितना निकलेगा, इतना ही निकलेगा 200 ग्राम, मतलब 200 नहीं ज्यादा निकलेगा, ज्यादा तो इसमें निकलेगा यार, ये देखो अभी ये आइस में इसको हम धुलना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये अपने हाथ से धुलना एक अलग बात होती है, वहाँ से तो धुला तो रहता ही रहता है। तो ग्रेवी लगभग रेडी हो रही है, और इसमें भी हम डाल देंगे थोड़ा सा मसाला और हल्दी वगैरह, इसमें डालने जा रहा हूँ मसाला, इधर देखो तो ये थोड़ा सा मसाला इसमें से डालेंगे, अंदाज के अपने हिसाब से डालते हैं हम लोग, ये हो गया मसाला, ये मिक्स मसाला है, ये मिक्स मसाला है, उल्टा बना ऐसे नहीं बनता यार, ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये मिक्स मसाला है, धनिया, और ये आ गई यहाँ पे हल्दी हल्की सी, ये देखो हल्दी आ गई, धनिया, उसके बाद में अभी पड़ेगी ऊपर, कहाँ जा रहा हो धनिया। तो दोस्तों ये मैंने मटर पनीर यहाँ पे डाल दिया है सारा कुछ, पानी वगैरह भी डाल दिया है, अभी बस पकना बाकी है थोड़ा सा, थोड़ा सा पकना बाकी है, बाकी मटर पनीर जो है अभी बन रहा है, और इसमें हल्का सा पानी अभी और पड़ेगा मुझे लगता है, लेकिन पहले पक जाए।
तो गाइस पूरे दिन के स्ट्रगल के बाद अब वो समय आया है जब हम लोग खाना खाएंगे, और खाना खाने का टाइम अभी तकरीबन 11:30 के आसपास हो रहा होगा, 11:30-12 के आसपास हो रहा होगा। और ये जो टाइम जो है वो अभी चल रहा है रमदान का, इसकी वजह से लोगों की टाइमिंग की जो ड्यूटी है वो इधर उधर मतलब शिफ्ट होती रहती है घंटे दो घंटे। और ये देखो कैसे ताड़ रहा, क्या चाहिए तुमको? खाना कहाँ है? ये क्या है? खाना नहीं है भैया, ये देखो यहाँ पे खाना हो रहा है, ये देखो चावल है और भी है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, यहाँ पे खाना हमारा जो है आप देख सकते हो कि जबरदस्त है। और यहाँ पे ये रहा चावल, और ये रहा यहाँ पे मटर पनीर, एक नंबर पनीर भाई। आप देखो ये देखो ये बना है मटर पनीर, और एक नंबर का मटर पनीर बना है। उसी में थालियाँ निकालो अलग 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 सकते। तो अभी जो है यहाँ पे हम निकालने जा रहे हैं चावल, गर्मा गर्म चावल देख रहे हो, जिसको और चाहिए होगा बाद में भी ले सकता है। दोस्तों ये बन गया है यहाँ पे मटर पनीर पूरी तरीके से, देख रहे हो ये देखो पीस देखो कितने जबरदस्त है। और ये अभी एक की थाली में जाएगा, ये देखो टॉप क्लास है, टॉप क्लास। ये देखो तुमको पनीर ज्यादा क्यों मिलेगा भाई, क्यों मिलेगा तुमको? नहीं सर तुम बराबर, वो रात वाले जो नहीं है उनका कम रखो, उनको देंगे ही नहीं। हाँ वो उनका मटर को पनीर नहीं खाओ ना, तो ये वीडियो चला जाएगा फिर याद रखना। अरे वो जाओ तो ना कहाँ करेंगे, फिर दिखे इधर तक ना, तुमने क्या बोला, तुम्हारी आवाज जब बोलोगे तो आ गई ना। दोस्तों यहाँ पे जा रहे हैं सत्तर में मटर पनीर, ये देखो इसमें पहले से पनीर है, बाद में डाल देंगे, अभी लगभग हो गया सत्तर में। अभी सबकी थाली में पनीर और मटर और चावल जा चुके हैं यहाँ पे खाने वाले। ये देखो ये लंबरदार हैं इधर, अमर लंबरदार, और उधर शिवा है, इधर शिवम है। शिवम खा लिया भैया? अच्छा मना शिवा टेस्ट कैसा है? बढ़िया। अमर भैया यही है यहाँ भी दुबई की लाइफ भैया, सारे लोग बनाते हैं खाते हैं, उसके बाद लास्ट पूछते भैया कैसा बना है। तो अभी हम भी चेक करेंगे थोड़ा सा कैसा बना है। ये देखो खबूस आया है, और ये खबूस आता है भैया यहीं पे, यहाँ पे यही खाते हैं। तो अभी ये रहा मटर, और ये पनीर, और ये खबूस। तो अभी इसको ट्राई करेंगे कैसा बना है। ये देखो यहाँ पे मैंने ले लिया मटर भी ले लिया, पनीर भी ले लिया, थोड़ी सी ग्रेवी ले लिया। इसको चेक करेंगे, टेस्ट तो बढ़िया है, अच्छा है, एक नंबर का टेस्ट है दोस्तों। हम सारे लोग खाने को एंजॉय करते हैं।